गाइस गुड इवनिंग, ये हमारी निक्सॉन और ये हमारी काइगर, दोनों का लुक वगैरह कॉम्पैक्ट एसयूवी है, लुक वगैरह साइज़ वगैरह लगभग सिमिलर है। जहाँ पे डिफरेंस आता है ना, वो आता है तुम्हारे पावर का, और एक नेचुरल स्प्रेडर है इनके पास, और जो निक्सॉन आती है वो टर्बो में ही आती है। तो अगर कोई कंफ्यूज है किसी को क्या काइगर लेनी चाहिए नेचुरल स्प्रेडर या फिर टर्बो में लेना चाहिए या फिर निक्सॉन पे जाना चाहिए, क्या उसके प्रोज हैं क्या कौन से हैं, हमारा कोई स्क्रिप्ट नहीं बना हुआ है, तो मैं ऑन द स्पॉट पूछने वाला हूँ दोनों भाइयों से। ये जो गाड़ी है ओनर ये है, लेकिन ऐसे खड़े हैं क्योंकि अभी सौरभ भाई एक दिन तो बनता है चेंज। सौरभ भाई गाड़ी चला रहे थे अभी, ये काइगर चलाई थी, तो थोड़ा बहुत इनका ओपिनियन भी मैटर करेगा। और ये तो फिर पता ही है ओनर एक्सचेंज है। मैम आई एम द मिडल मैन, आपके लिए कॉन्टेंट लाने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग होंगे, बहुतों को ना इंजन पावर नहीं चाहिए होती है ना, बहुतों को चाहिए होता फीचर, गाड़ी दिखने में अच्छी हो और उसमें ठीक हो, तो वो गाड़ी जो एवरेज बाइचर है। बहुत को क्या होता है ना कि फीचर वगैरह मैटर नहीं करता, गाड़ी में पावर चाहिए उनको वगैरह वगैरह, तो हो सकता है आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो। मैं पहले पूछ लेता हूँ हमारे सौरभ भाई से, तो ये तो आपने डीजल ली, पेट्रोल भी आपने चलाई है, टेस्ट ड्राइव पेट्रोल चलाई, मेरे फ्रेंड के पास भी है, फ्रेंड के पास भी है, तो अभी आपने काइगर भी चलाई, थोड़ी बहुत चलाई लेकिन चलाई है। तो एक बार बताइए, अगर आपने डीजल नहीं ली होती, अगर आप पेट्रोल कंसिडर कर रहे होते, हाँ। दोनों गाड़ी आपके पास होती, राइट, ठीक है, तो काइगर या फिर ये, आपको पता है कि जो इसमें है टर्बो ही आता है, नेचुरल एस्पिरेटेड नहीं, हाँ। आता, इसमें नेचुरल एस्पिरेटेड और टर्बो दोनों आता है, बिल्कुल। तो आप क्या, आपका ओपिनियन क्या है, मतलब कौन पहले सी चूज करते? पहले मैं दोनों चला के देखता क्योंकि ये है नेचुरल एस्पिरेटेड, राइट, तो मैंने अभी ये चलाई, तो इसको मैं नेक्सॉन से कंपेयर नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो टर्बो है और ये नहीं है, राइट, तो आपको डिफरेंस नजर आया? बिल्कुल डिफरेंस तो काफी, लीनियर एक्सेलरेशन है, ये ऑटोमेटिक है तो इसमें गियर शिफ्ट पता चलते हैं, वो नेक्सॉन में पता चलते हैं, नो डाउट, एएमडी में, तो उसका तो कोई वो नहीं है, लेकिन उस पर टर्बो है तो थोड़ा सा एक बूस्ट मिलता है एक्सप्रेसिव का आरपीएम के बाद ना, तो वो इसमें लीनियर है, एक ये चीज है। और दूसरा चीज जो मुझे इसमें और उसमें अगर कंपेयर करना हो, ये मुझको थोड़ा मतलब पता नहीं क्यों खुली लग रही है या क्या सीन है, ओपन ओपन ना, हाँ लगेगा एग्जैक्टली, हाँ, पीछे बैठा मैं जैसे अभी, तो काफी स्पेस है पीछे, मतलब मैं आराम से सो सकता हूँ उसमें लिटरली फैल के ऐसा, तो नेक्सॉन में भी नो डाउट होगा, बट मैं पीछे कम, हाँ इसमें पता नहीं क्यों खुला सा एक फ्री स्पेस दिख रहा है मुझे टांग के वहां पर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं होंडा की गाड़ियां, डायमेंशन सेम होता है लेकिन उनका स्पेस मैनेजमेंट इतना अच्छा होता है अंदर बैठने वाला, होंडा की जो गाड़ियां है ना, खुली खुली, खुली खुली लगती है, खुली खुली, तो मैं अच्छा कहता हूँ कि गाड़ी कभी भी डायमेंशन के हिसाब से 1 mm 10 mm 15 mm उससे जजमेंट मत कीजिएगा, बैठना जरूर उसके बाद डिसाइड करना कि क्या है। टाटा क्यों चूज करता, क्योंकि टाटा एक एस्टैब्लिश ब्रांड आ रहा है कब से बना हुआ, राइट, और एक ट्रस्ट भी है टाटा के साथ, राइट, मेक इन इंडिया को अगर मैं अलग रखूं तो और सिर्फ मैं इस चीज पे जाऊं कि हाँ प्रोडक्ट ऑलरेडी आ रहे हैं उनके, रेनॉ लाइक अभी रिसेंटली कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस हुई है, तो एक माइंडसेट बंदे का ये भी रहता है क्योंकि हम सारे मारुति से आ रहे होते हैं, आफ्टर सेल सर्विस और पार्ट्स का कॉस्ट सबको मैटर करता है, एग्जैक्टली, तो इसका अगर कम भी होगा ना, और मतलब इसका पार्ट्स अगर उससे सस्ता हुआ और अगर ये चीज मेरे को बताएगा नहीं कोई, हाँ, तो कैसे पता चलेगा, हाँ, तो मेरे माइंड में उसी का सस्ता रहेगा और मैं वही लूंगा। जो राइट स्टेप्स है वो यही है कि पहले गाड़ी चला के देखो, राइट, फीचर्स हर बंदे को अलग चाहिए होते हैं, वायरलेस चार्जिंग मुझे नहीं चाहिए, हाँ। इसमें है, आई एम नॉट श्योर इसमें, लेकिन तो बहुत कुछ चाहिए होती है, नहीं नहीं फीचर्स चाहिए होते हैं, बिल्कुल वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो मुझे चाहिए होता है, मुझे इसमें एंड्रॉइड ऑटो में दिक्कत आ रही है, राइट, तो ये चीजें है कि मतलब वो बंदे टू बंदे पे डिपेंड करता है, लेकिन पैसे भी तो मैटर करते हैं, पैसे भी मैटर करते हैं, एग्जैक्टली, मेरे पास एक बजट है, हाँ। अगर 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े फीचर के लिए वाले चार्जिंग मेरे पास हो नहीं रहा, तो शायद मैं कहता हूँ नहीं यार छोड़ो यार नहीं लेता, थोड़ा सा वो कर लूँ, लेकिन सजेस्ट ही करूंगा बजट है तो टॉप पे ही आएगा जिसमें सब कुछ हो, क्योंकि बाद में कंपनी फिटेड चीज नहीं लगा सकते, बिल्कुल, तो उस पे ही जाएगा, हाँ, तो मतलब मैं अगर इसकी जगह ये गाड़ी लेता ना तो मुझे रिग्रेट नहीं होता, ये मैं बता दूंगा, अच्छा, क्योंकि मैं अभी बैठ के देखा, चलाई मैंने इसे, और मतलब जो इसके अंदर एक पॉजिटिव फील आती है हर गाड़ी में नहीं आती, वो इसमें आई थी मुझे, इसमें भी आई मुझे, परफेक्ट, हाँ, क्योंकि हर चीज एकदम, जो उसका सेंटर कंसोल मुझे उससे मैं रिलेट भी कर रहा था बैठ के, वो तो बंदा करता ही है पुरानी गाड़ी को इससे, है ना, तो बाकी जो इसका डिजाइन है वो एनी डे, जो लेजर एज कटिंग एंड ऑल दैट, वो बहुत सही लगा मुझे, इसका हेडलाइट भी बहुत अच्छा था, हाँ, तो फाइनली जो सौरभ भाई कहना चाहते हैं, अगर इनके ऑप्शन होता, अगर आप दोनों गाड़ियां देख रहे हो, हाँ, तो अगर चूज करना है तो भले इनकी पसंद ये थी,
अगर ये नहीं होती या फिर अगर ये भी जाना होता ना, ही कुड हैव चोजन दिस कार इजीली, ठीक है। पावर में डिफरेंस है नो डाउट, क्योंकि वो इसमें टर्बो है नहीं, तो जो मैंने चलाया था वो, तो अगर जिसको ज्यादा पावर चाहिए तो टर्बो पे जा सकता, टर्बो पे जा सकता है, बिल्कुल, मतलब ही कैन गो फॉर दिस कार। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। आई मीन, अब मुझे इसका सेल, मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं करा है, मैं अगर रिसर्च करता हूँ तो मैं सिर्फ टाटा के प्रोडक्ट्स के बारे में करूंगा, क्योंकि मुझे वो चाहिए उस वक्त चाहिए। अगर मैं इसके बारे में करूंगा, मुझे ऑब्वियसली वीडियोस मिलेंगे और लोगों के थ्रू पता चलेगा कि लाइक क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में, तो वो रिसर्च उन्होंने आई थिंक मेरे से ज्यादा करा है। इनिशियल कॉस्ट उसकी ज्यादा है, इसकी कम है, तो उस अगर मैं उस चीज को देखूं तो एनी डे ये बेस्ट ऑप्शन है, सारी चीजें उसकी उसके अंदर है, है ना। अब आती है आफ्टर सेल्स की बात, वो ज्यादा सही बता पाएंगे कि उन्होंने करा है उस पर रिसर्च, मेरे को नॉलेज नहीं है उसकी। प्रोज एंड कॉन्स ये बताएंगे। हाँ, अब ये था सौरभ भाई का टेक, तो वो ये कहना चाह रहे हैं प्रोज एंड कॉन्स निक्सॉन का देख लीजिएगा, इसका प्रोज एंड कॉन्स देख लीजिएगा। पावर चाहिए आपको तो टर्बो पे जाइएगा, दोनों में से चूज कर सकते हो, काइगर भी ले सकते हो, बढ़िया गाड़ी है। टर्बो में पावर चाहिए, पावर नहीं चाहिए तो नेचुरल एस्पिरेटेड में अगर आपको पैसे बचाने हैं तो उस पर भी आप जा सकते हो। थैंक यू सर भाई, वेलकम। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे मेन ओनर है, इसके ओनर नहीं है, मैंने बोला था इसको ये ले ले लेकिन इसकी जो हमारे भाई की ना जो रिक्वायरमेंट थी थोड़ी अलग थी, इनको फीचर्स में बिल्कुल भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, और इसकी आर एन डी है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह देखता है, बहुत पढ़ता है, तो ही हैज़ अ डिफरेंट आर एन डी। अब उनसे पूछ लेते हैं। निक्सॉन आपने देखी है, ठीक है, देखिए चलाई भी है काफी, हमारा डिस्कस भी हुआ था, फ्रेंड के पास भी है, और आपने काइगर ली। अगर हम एक बात कर लेते हैं, अगर अभी के टाइम पे गाड़ी नहीं ली आपने, ठीक है, आज लेनी है, हाँ आज लेनी है, ये गाड़ी चलाई है, वो गाड़ी चलाई, दोनों का रिसर्च किया है, कौन सी गाड़ी पे आप जाना पसंद करोगे? क्योंकि बहुत सारे लेने वाले हैं तो उनको एक हेल्प मिलेगा, आपका जो ओपिनियन है, सौरभ भाई का ओपिनियन पता चल गया, आपका भी ओपिनियन एक बार लोग को पता चल जाए। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपने पहले स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक से, अगर आपने ऑटोमेटिक लेनी है, ये पेट्रोल की बात हो रही है, नो डीजल, ओनली पेट्रोल, ओनली पेट्रोल, हाँ। अगर आपने ऑटोमेटिक लेनी है, इसमें आता है एएमटी, नॉट बैड, वेरी नाइस एएमटी, बट आपको साथ में मैग्नाइट और काइगर में सीवीटी मिल रहा है, सीवीटी इज वे बेटर देन एएमटी। तो एक बार आप दोनों गाड़ियाँ चला के देखो, विच एवर यू फील बेटर, क्योंकि अच्छा सीवीटी में यू गेट टर्बो, नॉट नेचुरली एस्पिरेटेड, AMT वाला जो मेरे पास है। लेकिन अगर आप दोनों गाड़ियाँ चला के देखो, आपकी रिक्वायरमेंट समझो, बजट देखो, उसके हिसाब से आप लो कि ड्राइवेबिलिटी किसकी अच्छी है, मेंटेनेंस किसकी अच्छी है, और उसके बाद आपको फील किस में अच्छी आ रही है। जो सौरभ भाई ने बात बोली, भाई बैठते मज़ा तो आए गाड़ी में, जब पैसे खर्च रहे तो मज़ा तो आना चाहिए ना, वो वाली चीज़ है। तो एक बार बताओ, निक्सॉन AMT, यस, ठीक है, टर्बो है वो छोड़ देते, करेक्ट, और काइगर AMT, सीवीटी की बात नहीं करें, वो टर्बो में ही आता, तो दोनों में अगर चॉइस हो, दोनों में चॉइस अगर हो तो देन आई वुड, आप कौन सी लेते हैं? ओके, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल कि है ना, निक्सॉन AMT में जो काइगर जो आती है उस बजट में, निक्सॉन में XM आती है, XM ही आती है AMT के अंदर, तो अब वहाँ पे आपके लिए प्रायोरिटी क्या है कि भाई गाड़ी है, बढ़िया चल रही है, ऑटोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से कुछ लगवाना है लगवा लेंगे, लेकिन कोई खास फीचर का फर्क नहीं पड़ता, गो फॉर दिस। अगर और सेफ्टी अगर ज़्यादा ही प्रायोरिटी है तो ये अगर फोर स्टार ले आएगी आराम से, वो भी सेफ है, ठीक है, फिंगर्स क्रॉस। लेकिन अगर आपको ये है कि AMT गाड़ी है, बजट उतना, भाई मैं 9.5-10 के आसपास खर्च रहा हूँ, मुझे भर भर के सारे जितने कंपनी दे सकती थी फीचर सारे चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, गो फॉर दैट, नो प्रॉब्लम, सिंपल, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू। तो सिंपली थोड़ा मैं इसको नरेट करता हूँ, क्योंकि उनका यही था, मैंने उनको बोला था कि AMT थोड़ी बिल्ड क्वालिटी वगैरह वगैरह, ही कैन कंसिडर दिस, लेकिन सही बोला, जिस बजट पे उनको सब कुछ मिल रहा था ना उस गाड़ी में, टॉप मॉडल, वो इसका मेड आ रहा था, ठीक है, तो उनको या तो देखना था, देखो उनको डिसाइड करना था, इधर टू गो विद दिस कार, जिसमें फीचर उनको कंप्रोमाइज करने पड़ते, बाहर से लगाने पड़ते हैं, बाहर से लगाने का इसकी एक लंबाई स्टोरी है, पैसे तो छोड़ो, लंबाई स्टोरी की बात है। तो फिर ये पावर इसमें ज़्यादा है, ऑब्वियसली 1.2 लीटर का इंजन है और टर्बो है, और वो 1 लीटर का इंजन है, विच इज़ नेचुरली एस्पिरेटेड, ठीक है, तो इनका जो रन था ना, इनको पावर से ज़्यादा मतलब नहीं है, ही गोस टू ऑफिस, और ट्रैवलिंग भी बहुत कम होती है, कमी सिटी में ही चलेगी, ऑफिस से आना जाना है, और एक गाड़ी ऐसी चीज़ जिसमें सुसा कर रहे हैं थोड़ा ना, बड़ी गाड़ी देखने में, तो इन्होंने क्या किया, देन ही टुक दिस वन। अगर इनकी जगह ये इनको पावर चाहिए होती ना, तो वो नो क्वेश्चन, तो वो गाड़ी सेटिस्फाई नहीं कर पाती, क्योंकि 1.2 लीटर, हाँ नहीं, उसका टर्बो सीवीटी, यस, टर्बो सीवीटी, ऑब्वियसली यस, टर्बो एंड सीवीटी डेडली कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन, लिटरली,
ये दोनों सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज है, दोनों हम कंपेयर कर रहे हैं, बट नेचुरली एस्पिरेटेड का मार्केट वाले मोस्टली वो लोग हैं जो या तो कॉम्पैक्ट सेडान्स देख रहे हैं, डिजायर और वो वाले, या फिर है ना स्पोर्ट्स हैचबैक, मैं बुलाता हूँ उन्हें स्पोर्ट्स हैचबैक, बट नियोस, स्विफ्ट और ये सारा जो सेगमेंट देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा अपग्रेड है वो, तो नेचुरल टर्बो टर्बो कंपैरिजन करेक्ट। अब थोड़ा सा एक फाइनल जाते जाते एनालिसिस कर लेते हैं, बूट स्पेस 360 है उसमें 400 बूट स्पेस बहुत अच्छा है, बूट स्पेस चाहिए आपको, पावर से मतलब नहीं है तो टर्बो आपका पिक होना चाहिए। अगर आपको पावर चाहिए और ये थोड़ा आप इंथुजियास्ट हो, पैसे भी टर्बो वाले दे सकते हो और डीजल नहीं जाना चाहते तो पेट्रोल ये लीजिए, उसको छोड़ दीजिएगा। इसका ये ज़्यादा बता पाएंगे है ना कि सर्विसेज इसका भी इन्होंने देखा है, मुझसे सुनते रहते हैं, इन्होंने तो कोई एक्सपीरियंस किया गाड़ी चला रहे हैं, तो सर्विस का दोनों का आपको क्या लगता है? सर्विस का देखिए मेरे आपसे सुना है प्लस मेरे फ्रेंड की नेक्सॉन की सर्विस देखी है 2019 XT प्लस की, तो टाटा वालों को क्या है थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है तब वो काम करते हैं। रेनो में क्या है, रेनो में मेरे को RSA को बुलाना पड़ा था एक बार, कोई इशू था वो, फिर कभी लंबी स्टोरी है बाद में बताएंगे, टाइम लिया उन्होंने, बट जब आके काम करना था वो अच्छा सा किया, बट टाइम बहुत लगाया फिर, मतलब उनको थोड़ा करना पड़ता है। इसका देखिए 19-20 थोड़ा सा अच्छा, ये फर्स्ट सर्विस थी बाय द वे, थोड़ा सा मुझे भी लगता है जितना एनालिसिस हमने लोगों से बात की जान के 19-20 थोड़ा रिनॉल्ट की बेटर ही मिलेगी आपको। कोई छोटे शहरों से देख रहा है वीडियो ये, तो उन लोगों को ये ढूंढना पड़ेगा भाई हमारे यहाँ रेनो का सर्विस स्टेशन है कहाँ पे, टाटा का कहाँ पे, मारुति का ही रहा बगल में, वो वाला हिसाब है। लेकिन सिटी वाले मारुति का सामान लेके कहता ले आ भैया गाड़ी, जो सिटी में रह रहे हैं जैसे बड़े शहर हो गए नोएडा, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, उन्हें टेंशन नहीं है, बोला हाँ भाई यहाँ भी है वहाँ भी है, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही। सर्विस स्टेशन में भी गड़बड़ होती है, ये वाला तरीके से काम नहीं कर रहा तो ऑप्शन तो है दूसरे के पास, अब छोटे शहरों में ऑप्शन ही 200 किलोमीटर बाद है, ऑप्शन का है ही नहीं, है ही नहीं ऑप्शन, टाटा ने रेनो क्या कर लोगे। लुक की बात है, सब्जेक्टिव है, मुझे थोड़ी जो रेनो है टाइगर दिखने में थोड़ी बड़ी लगती है, चौड़ी लगती है पीछे से, क्योंकि पीछे का इसका जो एंगल है ना डिजाइन का, डिजाइन थोड़ा बड़ा वो लगता है, और मेरे ख्याल से पीछे का जो पोर्शन है मुझे रेनो का पसंद है निक्सॉन से ज़्यादा, सब्जेक्टिव हो सकता है अगेन, आप लोग को जो भी पसंद हो कर सकते हैं। रूफ रेल की बात करते हैं, ये लोड बेयर कर सकते हैं, रूफ रेल ऐसे बने हैं, निक्सॉन में नहीं है। कल के दिन अगर 4-5 लोग जाना चाहते हो, सामान बहुत ज़्यादा है, बोट भी 360 है उसका 400 एक, उसके बाद रूफ रेल भी दिया जो फंक्शनल है, इसमें वो नहीं है तो वो भी देख लीजिएगा। और माइलेज वगैरह आपको कितना माइलेज मिल रहा है? माइलेज देखिए मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, माइलेज जो है वैसे नॉर्मली विद AC 12-13-14 भी पहुंचा हुआ है। निकालना चाहो तो फिर निकालना चाहो, तरीके से चलाओ इको मोड पे तो भाई मैंने अभी 24 निकाला। और सिमिलर इसका भी है, अगर आप इसको सिटी में चलाते हो विदेशी, अगर आप स्पोर्ट पे लगा के चलाते हो तो भूल जाओ कि आपको 9 से ज़्यादा मिलेगा, खत्म है माइलेज, खत्म है। सिटी में आराम से चलाते हो 14 से 18 के बीच आपको मिल जाता है, लेकिन याद रखिएगा माइलेज सबका डिफरेंस हो सकता है। मैं ऐसी जगह रह रहा हूँ जहाँ पे ऊबर खाबड़ है, ब्यूबर खाबड़ है, 2 किलोमीटर फर्स्ट गियर में चलती है, तो मेरा माइलेज तो जीरो होगा। माइलेज में मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, माइलेज इज कम्प्लीटली नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द व्हीकल और द इंजन, इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन हाउ यू ड्राइव इट। अगर आपको भगा रहे हो माइलेज भूल जाओ, चाहे मारुति हो चाहे कोई सी भी आन दो, चाहे स्कूटर ही का ना हो, स्कूटर हाँ स्कूटर क्यों ना हो कोई दिक्कत, सही बात बोली, कैसे रेव करते हो, हाँ एक्सीलरेशन कितना देते हो, ब्रेकिंग क्या है, उस पर डिपेंड करता है, मोड की बात नहीं है, इको स्पोर्ट्स टोटली जो माइलेज है सब्जेक्टिव, आप जितना निकालना जैसे तरीके से चलाओगे वैसे आएगी, दोनों गाड़ी में निकाल सकते हो। इसमें जाते जाते समरी मेरे को ये करनी है, सेफ्टी वाले लोग भाई इधर आ जाओ, मतलब भाई बहन सारे इधर आ जाओ, जिनको है ना बैलेंस फीचर चाहिए वो टर्बो में कंपेयर कर लो, अगर ये इससे कंपेयर कर रहे हो दोनों को तो टर्बो वाले कंपेयर करना, नेचुरल मत करना, जो ये कॉम्पैक्ट सेडान्स और हैचबैक्स देख रहे हो वो उधर चल जाओ, नेचुरल सिंपल। अप्रिशिएट है, थैंक यू सो मच। तो ये था छोटा सा एनालिसिस यार, होप कि अगर ये एक दो बंदों को भी हेल्प करें ना गाड़ी डिसीजन लेने में तो हमारा जो ये मीटिंग है सक्सेसफुल हुआ। थैंक यू सो मच टू सौरभ भाई एंड हमारे एवरल भाई, एनी टाइम, थैंक यू सो मच गाइस, आपसे दोबारा मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी हंबल, बी पोलाइट एंड बाय बाय, ड्राइव सेफ एंड वेयर योर सीट बेल्ट्स, थैंक यू।